हे गाइस, कीर्तिमान शर्मा हियर एंड आज हम बात करेंगे कि आप अपनी सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम को किस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं उन दोनों की। मैं बहुत सालों से बिज़नेस कर रहा हूँ, टोटल मिला के 12 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ मैं, और मेरी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उनमें मेरे को हमेशा एक बात की हमेशा परेशानी रहती है और मैं हमेशा चाहता हूँ इस परेशानी को मैं सॉल्व कर दूँ। वो ये है कि एक लड़ाई सी रहती है हमेशा मार्केटिंग टीम में और सेल्स टीम में। क्या लड़ाई रहती है? मार्केटिंग टीम हमेशा ही बोलती है कि हम इतनी सारी लीड्स बना रहे हैं, लीड्स दे रहे हैं, और ये सेल्स टीम वाले लोग जो हैं ये इनको कॉल ही नहीं कर रहे हैं, फॉलोअप्स नहीं ले रहे हैं, और इस वजह से सेल्स नहीं हो रही है। सेल्स टीम का क्या कहना है? सेल्स टीम कहती है जो मार्केटिंग टीम लीड्स दे रही है वो एकदम बेकार लीड्स हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको ना कंपनी के बारे में पता है, ना उनको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता है, उन्होंने कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ उठा के नाम दे दिया हमें, हम उनको कॉल करे जा रहे हैं और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए सेल्स नहीं हो रही है। तो ये जो लड़ाई है सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम के बीच में, इससे सबसे ज़्यादा घाटा किसको होता है? कंपनी को घाटा होता है। और अगर मैं ऐसा कर दूं इन दोनों को डांटने की बजाय, इन दोनों को कुछ समझाने की बजाय, अगर मैं इनको ये सिखा सकूं कि दोनों मिलके कैसे काम कर सकते हैं, तो सारा का फ़ायदा, ये दोनों काम पहले भी कर रहे थे लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे थे, एक दिशा में नहीं कर रहे थे, और अब एक दिशा में करेंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए सेल्स टीम को और मार्केटिंग टीम को अलाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें तीन चीज़ें करनी है मेनली। पहली चीज़ ये है कि हमें एक डेफिनेशंस बनानी है सारे कि सेल्स को किस तरीके की लीड देनी है और सेल्स के लिए क्वालिफाइड लीड क्या है। तो मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम मिलके बैठें और मिलके बैठ के ये समझें कि अगर सेल्स टीम कह रही है कि ये लीड ख़राब है, तो इसका मतलब उनको ये भी मालूम है या वो बता सकते हैं कि अच्छी लीड क्या है। तो जो भी सेल्स टीम, भाई देखिए आखिरकार हमारा काम क्या है, सेल्स टीम अगर कह रही है कि आप मुझे इस प्रकार की लीड देंगे तो मैं हम सेल्स कर देंगे, तो हमारा काम ये बनता है कि हम उनको उस तरीके की लीड दें। तो सेल्स टीम से पूछिए कि किस तरीके की लीड जो है वो आपको पसंद है, तो सेल्स टीम बताएगी, और मार्केटिंग टीम का काम रह जाता है कि उस टाइप की लीड्स प्रोड्यूस करें। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ एक लीड क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स के थ्रू। लीड क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स क्या है? ये चार डब्बे हैं, ये बेसिकली दो एक्सेस हैं। आई होप कि आपने मेरा एक पहला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हम परसोना बनाते हैं। परसोना एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे एक फिक्टिशियस, सेमी फिक्टिशियस पर्सन बनाते हैं, और उसके अंदर हमारे टारगेट मार्केट की रिसर्च के थ्रू, एक्चुअल कस्टमर्स के रिसर्च के थ्रू सारी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि हमारा टारगेट, हमारा जो परसोना है जिसको हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और जिसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है स्पेशली, वो कौन है, उसकी क्या क्या परेशानियां हैं, वो कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं परसोना में। तो ये मानिए कि एक तरीके से ये एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये दो एक्सेस हैं। और इस एक्सेस पे क्या है कि हम ये जान रहे हैं कि अगर हमारा कोई जो पर्सन है जिसको हम सामान बेचना चाहते हैं वो अगर यहाँ है ज़ीरो पे, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वो हमारे परसोना में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। अगर वो हमारे परसोना में बिल्कुल फिट नहीं बैठता तो इसका क्या मतलब आएगा कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया था वो एक पर्टिकुलर परसोना के लिए बनाया था, अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन खरीदने आया है वो हमारे परसोना में फिट नहीं बैठता। इसका मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो इसके काम नहीं आएगा, पूरी तरह से काम नहीं आएगा इसके, क्योंकि इसके लिए बनाया ही नहीं गया है। अगर इसके लिए काम नहीं आएगा तो वो उसको इस्तेमाल भी कर लेगा तो सेटिस्फाई पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। अगर सेटिस्फाई पूरी तरीके से नहीं हुआ तो बाद में रिव्यू भी ख़राब दे सकता है और दूसरे लोगों को भी जाके ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट तो बेकार था, इसे कोई इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो हम ऐसे इंसान को बेचना ही नहीं चाहते जिसके लिए हमने वो प्रोडक्ट बनाया ही नहीं था। तो सबको खुश करने की कोशिश ना करें जिनके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है। मार्केटिंग टीम का यही काम है कि उन लोगों को ढूंढे जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया है ताकि वो सेटिस्फाई हो सकें उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट उनको हेल्प कर सकता है क्योंकि अगेन उन्हीं के लिए बनाया है, और फिर वो अच्छा रिव्यू देंगे और अच्छा रिव्यू देने के बाद दूसरे लोगों को बताएंगे भी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट के एडवोकेट बनेंगे और सब जगह फैलाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर अगर है पर्सन तो हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल फिट नहीं है हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, वो हमारे परसोना में फिट नहीं बैठता।
और हम जैसे जैसे इस लाइन के ऊपर जाते रहते हैं तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अगर कोई इंसान है तो वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बिल्कुल फिट है, जो पर्सोना हमने पहले बनाया था उस बिल्कुल पर्सोना के एकदम अलाइनमेंट में आता है, बिल्कुल करेक्ट पर्सन है। अगर ये पर्सन यूज़ करेगा तो एकदम सब सही होगा, इस पर्सन को अच्छा लगेगा, यूज़ कर सकता है, इसको हेल्प मिलेगी, सेटिस्फाई होगा, अच्छा रिव्यू देगा, सब कुछ। तो ये एक्सेस पे हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे पर्सोना में कितना फिट बैठ रहा है। और इस एक्सेस पे हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त वो हमारे प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब इंटरेस्ट शो करने का मतलब है कि वो हो सकता है कि हमारी वेबसाइट पे गया हो, या फिर हमारे कुछ प्रोडक्ट के वीडियो देखे हों, या कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करी हो, तो हमें पता चलेगा कि वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। और अगर बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा तो उसको हमारा वो पर्सोना में फिट हो भी, हमारा मतलब हमारा प्रोडक्ट जिस पर्सन के लिए टाइप के लिए बना है उसी टाइप का पर्सन है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी, तो वो ख़रीदेगा कैसे? सेल्स टीम को अगर आप इस टाइप की लीड्स देंगे जो कि हमारे पर्सोना में फिट भी नहीं बैठती और अभी इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो सेल्स टीम कैसे सेल्स करेगी? सेल्स टीम हमेशा यही तो कहेगी कि ये लीड्स एकदम ख़राब है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये समझाना इसलिए इम्पॉर्टेंट रहा क्योंकि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सच में सेल्स की जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पा रहे थे, और आपके सामने अलग अलग शब्द बोल के, जार्गन्स बोल के, बड़े बड़े शब्द बोल के असली काम से पीछे छुप रहे थे। अब अगर उनको आप ये समझाएंगे और सेल्स वालों को साथ में बिठा के भी उनको ये समझाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो हमारे पर्सोना में फिट नहीं बैठते और जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, वो लीड्स अगर दी तो वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी सेल्स डिपार्टमेंट से, उन पर कोई काम नहीं होना चाहिए, वो एकदम बर्बादी है टाइम की सेल्स के लोगों की। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सेल्स के लोगों का सिर्फ एक ही काम है, लीड क्लोज करना। जो लीड आई है उसको क्लोज करना एक टाइम फ्रेम में। जैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट के पास लीड आती है तो उसका काम होता है कि विद इन अ डे, विद इन 3 days, 5 days, 1 week उस लीड को, उस पूरी डील को क्लोज करना। अगर ये डील क्लोज नहीं होती है तो दोबारा से मार्केटिंग टीम को देना कि मार्केटिंग टीम आपने जो लीड है, या तो देखिए 100% कन्वर्जन तो कभी भी नहीं आता, तो या तो मार्केटिंग टीम को हम दोबारा देंगे कि इनको और इनको नर्चर करिए ताकि ये दोबारा से तैयार हो सकें और इंटरेस्टेड फील करें हमारे प्रोडक्ट में, तो और फिर हम दोबारा से ट्राई करेंगे सेल्स करने के लिए। तो सेल्स टीम का काम सिर्फ यही है कि क्लोज करना। अगर आप सेल्स टीम को ये काम देंगे कि इन्फॉर्मेशन पास करना, कि वो इन्फॉर्मेशन के गेटवे हैं, कि ईमेल भी वो सारे करेंगे, कि मार्केटिंग का जो काम है वो सेल्स टीम को दे देंगे आप, तो सेल्स टीम कभी भी काम नहीं कर पाएंगी। बहुत सारे सेल्स के लोग आपने देखे होंगे जिन्हें सेल्स की जॉब पसंद नहीं है। एक्चुअली सेल्स की जॉब उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है जिनको जिनके लीडर्स, जिनकी कंपनी के ओनर्स ये बात नहीं समझते कि इनको मार्केटिंग का काम नहीं देना है, इनको सेल्स का काम देना है। और सेल्स के लोगों को आप मार्केटिंग का काम देते हैं तो क्या होता है कि वो अपने काम से पीछे छूट जाते हैं, पीछे छुपते हैं, कि वो सोचते हैं कि दिखा रहे हैं आपको कि ईमेल कर रहे हैं हम, या फिर किसी, मतलब वो लगातार कॉल्स नहीं करते लीड्स पे, वो छुपने लगते हैं अपने काम से, और उसमें कंपनी का नुकसान होता है। आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि सेल्स वाला आदमी सुबह सुबह आए और तुरंत कॉल करने लग जाए, या फिर लोगों से मिलने चला जाए और बिल्कुल क्लोज करे उस डील को। जिस जगह पे सेल्स का आदमी हमने एक एक्स्ट्रा रिसोर्स रखा हुआ है, तो उसका काम है सिर्फ सेल्स को क्लोज करना। मार्केटिंग टीम का काम है कि जो नॉन इंटरेस्टेड लोग हैं उनको इंटरेस्टेड लोगों में बदलना, ये मार्केटिंग टीम का काम है। इंटरेस्टेड लोगों को, नॉन इंटरेस्टेड लोगों को इंटरेस्टेड लोगों में बदलना, ये मार्केटिंग टीम का काम है। और सेल्स टीम का काम सिर्फ ये है जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको बेचना, उनकी डील क्लोज करना, ये सेल्स टीम का काम है। जब कंपनी ओनर को ये बात में कन्फ्यूजन होता है तो सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम कभी भी अलाइन नहीं हो सकते और हमेशा नुकसान हो जाता है। चलिए वापस आते हैं। तो हमने इस बात करी थी कि ये जो है लोग हैं नंबर वन क्वाड्रेंट में, ना तो ये फिट हैं और ना ही ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। नंबर टू क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये लोग बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जिनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया था। तो क्या होगा कि ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो इनको पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट,
और हो सकता है बाद में जाके फिर ये बैड रिव्यू दें। तो इन लोगों के साथ हम दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर वन चीज़ ये है कि हम इन लोगों को बता सकते हैं कि देखिए, एक्सपेक्टेशन हम सेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाया गया था इन टाइप के लोगों के लिए, आप ख़रीदना चाहते हैं, आप इतना कह रहे हैं तो हम आपको दे देंगे प्रोडक्ट, लेकिन प्लीज़ आप समझिए इस बात को कि ये प्रोडक्ट इन टाइप के लोगों के लिए बना था, हो सकता है कि आपकी पूरी तरह से मदद ना कर पाए। आप ये एक्सपेक्टेशन सेट करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप इन टाइप के लोगों को मदद कर सकते हैं कि वो, अभी देखो इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट के लिए कम्प्लीटली फिट नहीं है, तो आपको ये, आप इनको यहाँ ला सकते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट के लिए फिट हो जाएं, है ना। तो इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है और अगर प्रोडक्ट के लिए फिट भी हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम कैसे लाते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लेट से आपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। अब आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो जॉब में है, वो अभी एंटरप्रेन्योर बना नहीं है, है ना। तो वो जॉब में है लेकिन वो बहुत कह रहा है कि मुझे दे दीजिए प्रोडक्ट, मैं खरीदना चाहता हूँ ये, मैं समझ रहा हूँ। तो आप उसको बता सकते हैं या तो कि देखिए, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स के लिए बना हुआ है प्रोडक्ट, हो सकता है आपकी पूरी तरह से हेल्प ना करे, अगर आप ओके हैं इस बात से तो आप खरीद सकते हैं प्रोडक्ट, है ना, तो वो खरीद लेता है। और या फिर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि आप जैसे उसको फ्री कोर्स दे सकते हैं, उसको मदद कर सकते हैं कि वो जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर दे, और स्टार्टअप बिजनेस जब शुरू करेगा तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड तो था ही, और अब आपने जिस पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया था जो कि थे स्टार्टअप ओनर्स, वो भी बन चुका है, तो सीधे क्वाड्रेंट 4 में चला गया है, जिसका मतलब वो इंटरेस्ट भी है उसका और परफेक्ट फिट भी है उसका। तो इस वक्त ये इंसान सेल्स टीम को दिया जाएगा तो सेल्स बहुत आसानी से होगी और जल्दी जल्दी सेल्स होगी। सेल्स डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही काम है, डील को क्लोज करना, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को तैयार करना जो कि इंटरेस्टेड नहीं थे और अब इंटरेस्टेड हैं, ताकि ये सेल्स डिपार्टमेंट इनको डील क्लोज कर सके। आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 पे। क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या हो रहा है कि वो परफेक्ट फिट है, अभी वो बहुत ही, जैसे हमने परसोना बनाया था, जिस टाइप के लोगों के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया था वही आदमी है ये, लेकिन अभी ये कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मुझे खरीदना है। नाउ इस वक्त आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम, कि फिट है और इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि उसको कॉन्टेंट दिखाए, है ना, उससे मिले, उसको इवेंट्स में बुलाए, कि उसको ये ना लगे कि हम उसको कुछ बेच रहे हैं, लेकिन हम उसको कुछ दिखाएं, वीडियो दिखाएं, ब्रोशर भेजें, या फिर हम उसको ब्लॉग्स दिखाएं, कुछ भी फ्री कोर्सेज के थ्रू आप कुछ प्रमोट करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से आप इस तरह को प्रमोट करके इन लोगों को जो क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ रहे हैं, इनको आप क्वाड्रेंट नंबर 4 में लेके आएंगे। क्वाड्रेंट नंबर 4 का मतलब है कि जो इंटरेस्टेड नहीं थे वो अब इंटरेस्टेड हो गए हैं। ये मार्केटिंग टीम का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम है सारा। इस वक्त ये काम अगर सेल्स टीम को दिया जाता है तो सेल्स टीम हमेशा, जिसे कहते हैं कि लेजी सेल्स टीम, क्योंकि वो असली काम से भाग रहे हैं। असली काम सेल्स टीम का है सेल्स को क्लोज करना, और मार्केटिंग टीम का काम है कि इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाना ताकि सेल्स टीम अपना काम कर सके। अगर ये दोनों काम परफेक्टली होते हैं तो ज़्यादा रेवेन्यू आता है, अगर ये काम नहीं होते तो रेवेन्यू बहुत कम हो जाता है, कंपनी एकदम लेजी बन जाती है, आलसी टाइप की कंपनी। अब यहाँ पे भी सेल्स टीम को तभी लीड देनी चाहिए जब बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर कोना, कोने का मतलब है कि परफेक्ट फिट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, यहाँ पे सेल्स टीम का एक्चुअल काम होता है। इस टाइप की लीड्स को कहते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। अब हम बात करेंगे कि सही डेफिनेशंस, अगर दोनों, जैसे मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ तो सेल्स टीम को और मार्केटिंग टीम को, दोनों को सेम डेफिनेशंस आनी चाहिए, एक ही भाषा का प्रयोग करें दोनों, तो ही समझ सकते हैं एक दूसरे की बात। तो वो भाषा जब है, वो सब लोग अलग पढ़ाई करे हुए हैं, अलग बैकग्राउंड से आए हैं, ये लोग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग इनका एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, तो ये सेम भाषा नहीं बोलेंगे। हमको बना के देनी है वो भाषा, एज बिजनेस ओनर्स, एज लीडर्स, हमको बना के देनी है ये कॉमन भाषा। तो कॉमन भाषा क्या है, देखिए ये सेल्स फनल है, सेल्स फनल का मतलब ये देखिए, फनल ऐसे, ये लोग ज़्यादा हैं और ये लोग कम हैं, यहाँ से लोग आएंगे और यहाँ पे कस्टमर बन के निकलेंगे। तो ये भाषा है, हमने बनाई है, ये भाषा हम भी इस्तेमाल करते हैं, मैं अपनी कंपनी में खुद करता हूँ, तो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि ये क्या भाषा है। ये देखिए,
ये सबसे पहले हैं कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स का मतलब है सिर्फ नाम, सिर्फ नाम है या सिर्फ ईमेल आईडी है। वो अभी फिट हैं या नहीं है आपको नहीं पता, वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है आपको नहीं पता। आपके ने बहुत सारे नाम इकट्ठे कर लिए हैं, किसने, आपकी मार्केटिंग टीम ने इकट्ठे कर लिए, और ये सारे के सारे उलट देती है वो सेल्स टीम के ऊपर और सोचती हैं कि अब सेल्स करेंगे। तो इस वक्त सेल्स नहीं हो सकती। इस वक्त काम क्या है कि इन लोगों को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या ऐड दिखा के, इश्तिहार दिखा के, किसी भी तरीके से हम इनको अपनी वेबसाइट पर लेके आएँ और वेबसाइट पर ये कोई ना कोई फॉर्म भरें। ये फॉर्म क्यों भरेंगे? ये फॉर्म इसलिए भरेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन होगा। इनको आप कुछ देंगे ऐसा वैल्यू का जिसको लेने के लिए ये लोग फॉर्म भरेंगे। जैसे कि आपने कुछ दिखाया कि कुछ फ्री आप इसको दे रहे हैं, जिसको लेने के लिए ये कोई फॉर्म भरना चाहता है, है ना। तो फ्री जो आप दे रहे हैं उसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये इंसान अपना डेटा, अपना सब कुछ जो डेटा आप मांग रहे हैं वो दे दे आपको। दिस इज़ ऑल्सो ट्रांजेक्शन, है ना। तो पैसे नहीं है इसमें, लेकिन डेटा का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जब कोई कॉन्टैक्ट आपकी वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म भरता है और आपको सारी डिटेल्स देता है, तब हम उसको कहेंगे लीड। लीड का मतलब है इस इंसान ने, देखो पहली बात तो इसने दिखाया कि मैं आपका ईमेल मैंने देखा, खोला उसको, पढ़ा, फिर उस पर क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे आया, और आपकी वेबसाइट पर जो आया वो मुझे लगा कि हाँ मेरे काम का है, इस वजह से मैंने उसको डाउनलोड करने के लिए अपना डेटा भरा। बहुत कुछ हो गया इस दौरान, तो आपको पता है कि ये अब सही इंसान है। हो सकता है चांसेस ये हैं कि इंटरेस्टेड ना हो ये अभी सामान खरीदने में, लेकिन ये फिट है क्योंकि आपने डाउनलोड जो कराएंगे वो वही चीज़ करवाएंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि ये आपका प्रोडक्ट आगे खरीदने के लिए ये इंसान फिट है या नहीं है, आपके पर्सोना में ये फॉल करता है नहीं करता। पर्सोना का मतलब जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया था वो आदमी ये है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम इसको नर्चर करेंगे। नर्चर मतलब इसको और ज़्यादा डेटा देंगे और ज़्यादा कंटेंट दिखाएंगे, ताकि हम आपको वीडियो दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हैं आप इसको, ताकि आपको पता चले कि ये इंसान कुछ आगे मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए या नहीं दिखा रहा। तो जब और भी ज़्यादा इसको दिखाने लगता है इंटरेस्ट, तो हम इसको कहते हैं कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का मतलब इसने कुछ स्पेशल पेजेस भर दिए, जैसे कि इसने टॉक टू सेल्स का पेज भर दिया है, या फिर इसने फाइनल प्राइसिंग पेज को देखा है, है ना। ये सब हमें पता चल सकता है एनालिटिक्स के थ्रू कि ये भर रहे हैं या देख रहे हैं कौन से पेज। तो ये स्पेशल पेजेस हैं, इसका मतलब है कि सेल्स के करीब है। जब कोई जाता है प्राइसिंग पेज पर तो ऐसे ही नहीं चला जाता, है ना। तो प्राइसिंग पेज पे जा रहा है, या फिर ये देख रहा है कि वेयर टू बाय, कहाँ से खरीदूँ मैं ये प्रोडक्ट, तो इसका मतलब बिल्कुल सेल्स साइकिल में थोड़ा आगे जा चुका है, है ना। फ़ोन नंबर देख रहा है, कॉन्टैक्ट एड्रेस देख रहा है। तो कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनको आप समझ सकते हैं कि इन पेजेस को अगर कोई इंसान देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेल्स साइकिल में थोड़ा सा आगे आ चुका है, वो खरीदना चाहता है कुछ प्रोडक्ट को। ऐसे समय में हम सेल्स को ये लीड्स देंगे। अभी तक ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट चल रहा था, अब ये सेल्स डिपार्टमेंट आया, तो सेल्स अब अपनी ठप्पा लगाएगा कि हाँ ये लीड ठीक है या नहीं है। तो ठप्पा कब लगाएगा? ठप्पा लगाने के लिए क्या है कि सेल्स, हमने जैसे पहले बात करी थी कि सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को साथ में बिठा के एक डेफिनेशन बनानी है कि लीड कहते किसको हैं, है ना। तो ये जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है, ये हमने लिखा, देखिए एग्रीड अपॉन डेफिनेशन फॉर सेल्स क्वालिफाइड लीड। तो ये सेल्स क्वालिफाइड लीड है क्या? तो सेल्स डिपार्टमेंट कुछ बात बता रहा होगा, जैसे कि कौन सी लीड अच्छी है जिसको आप मानते हो कि सेल्स हो सकती है, जैसे कि वो उस वेबसाइट में आ चुका होगा, उसको कंपनी के बारे में पता होगा, उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता होगा, उसने ब्रोशर डाउनलोड किया होगा, उसने ये वाला वीडियो देखा होगा। तो जो भी चीज़ें हैं ये जो सेल्स डिपार्टमेंट बता रहा है, ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी इस वाले सेक्शन में, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में। तो जब मार्केटिंग का डिपार्टमेंट लीड को क्वालिफाई करवा रहा होगा तो ये सारे काम करवा रहा होगा, और ये सब काम करवाने के बाद सेल्स को दी जाएगी। जब सेल्स देखेगा कि हाँ ये सारे काम हो रखे हैं, तो सेल्स कहेगा हाँ इस पर्टिकुलर लीड में हम काम करेंगे। तो जो काम करेंगे सेल्स टीम, वो क्या काम करेंगे? अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी बनाने का क्या मतलब है कि मिनिमम एक बार इंटरेक्शन हुआ है सेल्स टीम का, और इंटरेक्शन फ़ोन पे भी हो सकता है, ये मिल के भी हो सकता है, और सेल्स टीम कहती है कि हाँ ये बिल्कुल
यहाँ पहुँच चुके हैं क्वाड्रेंट में कि परफेक्ट फिट हैं और इनका इंटरेस्ट भी है, अब बस हम एक बार इनसे मिल लेंगे या फिर फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा देंगे या फिर फाइनल बाइंग नेगोशिएशन पैसों की बात चल रही है और इनके चांसेस हैं कि बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप तक आ चुके हैं, तब हम कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बन चुके हैं और अपॉर्चुनिटी से ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग फाइनली कस्टमर बन जाते हैं। ये पूरे आपका फनल है, इस तरीके से काम करेगा। अगर ये सारी बातें और ये सारी बातें आपके सेल्स और मार्केटिंग टीम दोनों को ही पता होंगी और दोनों को आपने साथ में बिठा के ये सारी बातें बताई होंगी और उन दोनों को एग्री कराया होगा कि ये बातें अब से हम ये शब्द बोलेंगे, ये भाषा बोलेंगे और इस तरीके से काम करेंगे, तो आपकी सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम दोनों मिल के काम करेगी। लेकिन अभी भी क्या होता है, इसी सब कुछ मुँह जबानी की बात है, ये सब बातें हैं। तो हम क्या करते हैं हमारी कंपनी में भी एक SLA का मतलब है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हम बना लेते हैं और मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। सच में एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम जान लेते हैं कि एवरेज ये जो चीज़ें लिखते हैं, कुछ चीज़ें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, मैं कुछ बता रहा हूँ। एवरेज कन्वर्जन रेट फ्रॉम लीड टू अपॉर्चुनिटी, मतलब कि कितनी लीड होती हैं जिसमें से अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 100 में से एक बन जाती है, ऐसा कोई भी नंबर। अब ये नंबर कहाँ से ढूंढ सकते हैं आप, या तो आप अपना पुराना डेटा देख लें, उसमें से आपको नंबर मिल सकता है, और या फिर अगर आप बिल्कुल नए बिजनेस हैं तो आप एक अजम्पशन माने, एक ऐसे ही नंबर ले लें कि हाँ इतने परसेंट कन्वर्जन हो जाएगा आपकी इंडस्ट्री में, और फिर ट्राई करें। अगर आप उस नंबर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने नंबर को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, महीने 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 चेंज करके आप सही नंबर पे पहुंच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कन्वर्जन रेट क्या है, कितना परसेंटेज जो है लीड्स आती हैं उसमें से कितने परसेंटेज अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। इस तरीके से आपको कन्वर्जन रेट लाना है। किसका सबसे पहले कन्वर्जन रेट देखा हमने, लीड से अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ से अपॉर्चुनिटी तक का। सेकंड क्या देख रहे हैं हम, कन्वर्जन रेट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टू क्लोज्ड वन, मतलब अपॉर्चुनिटी से लेके कस्टमर, कितने लोग अपॉर्चुनिटी जब बन जाएंगे तो वो कस्टमर बन जाएंगे, ये कन्वर्जन रेट कितना है। तीसरी चीज़ एवरेज सेल्स वैल्यू, एक प्रोडक्ट एक बार ट्रांजैक्शन होता है तो कितने पैसे मिलते हैं कंपनी को। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये का है और दूसरा 300 रुपये का प्रोडक्ट है, तो एवरेज क्या आया 200, है ना। तो एवरेज एक सेल्स प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट सेल होता है, एक कस्टमर बनता है तो हमें पैसे कितने मिलते हैं, ये है एवरेज सेल्स वैल्यू। फिर टाइम फ्रेम, कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनाते हैं, कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, तो एक उसकी स्टार्ट डेट होती है, उसकी एंड डेट होती है, ऐसा ही नहीं होता कि ज़िंदगी भर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ये, एक महीने का एग्रीमेंट है ये, एक साल का एग्रीमेंट है, तो दोनों टीम के बीच में जैसे कोई टाइम ड्यूरेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर पाँचवीं चीज़ गोल, कंपनी का गोल, कितना रेवेन्यू कमाना चाहती है कंपनी, ये गोल। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट से कि कंपनी का गोल है कि हम 1 मिलियन या फिर 10 लाख रुपए कमाएंगे, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, है ना। तो और हमको ये कमाना कितने टाइम में है, एक साल में, हमने सोचा है कि हमें 10 लाख रुपए एक साल में कमाने हैं, ये एग्जाम्पल है। अब हमें पता है कि हमारी एवरेज सेल्स वैल्यू 10,000 रुपए है, कि हम एक बार कस्टमर को बेचते हैं तो एवरेज 10,000 रुपए कमाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें 10,000 रुपये के एक 10 लाख रुपए कमाने के लिए 10,000 रुपये का एक कस्टमर, तो हमें 100 कस्टमर्स चाहिए। अब हमें प्रीवियस डेटा से पता चला कि हमारा एवरेज कन्वर्जन रेट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टू क्लोज, ये अपॉर्चुनिटी से लेके कस्टमर तक का, वो 50% आया। ये हमें कैसे पता चला, प्रीवियस डेटा से या तो पता चला या फिर हमने अजम्पशन माना अगर हम न्यू कंपनी है तो। अच्छा, फाइनली हमें पता चला कि एवरेज कन्वर्जन रेट फ्रॉम अ लीड टू अपॉर्चुनिटी, लीड से अपॉर्चुनिटी, ये हमें पता चला कि 20% रहा। तो ठीक है, अब हम क्या आते हैं, वापस आते हैं कि 10 लाख रुपए कमाने के लिए पर ट्रांजैक्शन 10,000 रुपीज़, 100 कस्टमर्स चाहिए थे, यहाँ पे आया 100।
अब अपॉर्चुनिटीज कितनी चाहिए, यहाँ पे हमें पहले पता था कि हर दो बंदों में से एक कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब है 50%। तो 100 कस्टमर्स के लिए हमें 200 अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और 200 अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें कितने लीड्स चाहिए, लीड से लेके अपॉर्चुनिटी का कन्वर्जन है 20%, मतलब कि हमें 200 अपॉर्चुनिटीज के लिए 1000 लीड्स चाहिए होंगी। आप इसके और भी ज़्यादा रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप देखें कि 1000 लीड्स के लिए आपको कितने कॉन्टैक्ट्स चाहिए। लेट्स से कि आपका नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग ही लीड्स बनते हैं, इसका मतलब 1000 लीड्स के लिए आपको 10,000 कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे। तो मार्केटिंग टीम का काम है कि 10,000 कॉन्टैक्ट्स ढूंढे, फिर इनको लीड में कन्वर्ट करे, फिर उनको देखे कि ये लोग उस टाइप के पेजेस भर रहे हैं या उस टाइप के पेजेस देख रहे हैं जिसके अंदर सेल्स का इंटेंट है, फिर सेल्स टीम को दे, सेल्स टीम बात करेगी, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगी और फिर वो कस्टमर बन जाएंगे। तो 10,000 कॉन्टैक्ट में से हमने सिर्फ 100 लोगों को बेचा, लेकिन हमने 10 लाख रुपये कमा लिए। इस तरीके से ये पूरा फनल काम करता है। और ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट अगर लिखा हुआ हो और दोनों टीम को पता हो कि इस तरीके से काम करेगा, हमारा गोल ये है, हमारी परसेंटेजेस ये हैं, तो देखो अब क्या है कि सेल्स टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि हमको यहाँ पे लीड्स मिलेंगी, हमें 1000 लीड्स मिलेंगी, है ना। अब 1000 लीड्स मिलेंगी तो इसका मतलब मार्केटिंग टीम को अपना काम पता है कि मुझे 1000 लीड्स जनरेट करनी है, 1000 लीड जनरेट करने के लिए मुझे कितने कॉन्टैक्ट्स चाहिए, कॉन्टैक्ट्स जनरेट करने के लिए मुझे कुछ काम करना होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो करनी है। तो दोनों लोगों को कुछ काम पता है और अब कोई भी एक दूसरे के ऊपर नाम नहीं लगा सकता कि आपने काम नहीं किया। दोनों को अपना अपना काम पता है, टाइम ड्यूरेशंस पता है और बिल्कुल सारी चीज़ें पता हैं। तो और ये भी पता है कि कौन सी क्वालिटी की लीड चाहिए हमें, कौन सी क्वालिटी की लीड चाहिए जो कि हमारे परसोना से एकदम मैच होती हो, जिसका इंटरेस्ट भी हाई हो। ये हैं 1000 लीड्स, ये हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, 1000 लीड्स। तो ये आप देखिए कि बिल्कुल सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम फुली क्वालिफाइड, फुली अलाइंड हो जाते हैं और इस तरीके से आखिरकार फ़ायदा पूरा का पूरा कंपनी को होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देना बिल्कुल पसंद करता हूँ। हो सकता है कि मुझे उसके लिए नया वीडियो बनाना हो और हो सकता है कि मैं आपके कमेंट्स में ही आंसर कर पाऊँ। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है या कैसा लगा है प्लीज़ ये भी मुझे बताएं, और अब ये भी मुझे बताएं कि अगर आपको कुछ और जानना हो बिज़नेस के बारे में और जिसके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे आइडिया भी दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।